चलो, लास्ट टाइम फ्रिक्शन पढ़ लिया था, डायरेक्शन और उसकी वैल्यू। यार लेट क्यों आते हैं बच्चे यार। चलो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ठीक है जी, ये हमने बताया था आपको। और दोनों की ब्लॉक की एक्सलरेशन निकाली थी हम लोगों ने, जिसका एक्सलरेशन ज्यादा था उस पे पीछे, जिसका एक्सलरेशन कम था उस पे आगे लगी थी। ठीक है जी, अब कुछ टर्म्स हैं जो बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास मान लो अपने पास 5 kg है और ये सरफेस पे रखा हुआ है। इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में म्यू दे रखा है आपको, मान लो 0.2 दे रखा है। ठीक है जी, लास्ट टाइम मैंने बताया था फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है उसका फॉर्मूला था म्यू टाइम्स एन। म्यू कितना दे रखा है? 0.2। एन की वैल्यू बच्चा नॉर्मल रिएक्शन, एक बच्चा पूछा नॉर्मल रिएक्शन, जितने फोर्स से इसका वजन दबाएगा फ्लोर को 50, उतना ही उसे रिएक्शन मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 50। ठीक है, तो यहां पे एन को पुट कर दूं 50, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 10 न्यूटन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जितनी उसको लग सकती है, हमेशा इतनी लगेगी नहीं। फ्रिक्शन जितना रिक्वायर्ड होगा साथ रखने के लिए उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मान लो मैंने इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, तो बताओ इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा इस टाइम पे? सब लोग बोलो भाई। ठीक है, शाबाश। तो 2 लग रहा था लास्ट टाइम वाला, याद है आपको? अगर मैं 3 लगाऊं तो 3 लग जाएगा अपोजिट में, और अगर मैं लगाऊं इस पे 10 लगाऊं तो बच्चा 10 लग जाएगा। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एक टर्म यूज करते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेती है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। दोनों को साथ रखना है, इसका काम क्या है? साथ रखना बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैंने फ्रिक्शन इस पे फोर्स लगाई 11, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चा? रिवाइज कराया विशांत, कुछ नहीं कराया मैंने खाली। 10 लगेगी और ब्लॉक मूव करेगा, 10 लगेगी और ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है बच्चा वो 0 से लेके 10 तक है। ठीक है जी, अब इसमें आपकी बुक्स में ना ग्राफ बनाते हैं आपसे, क्या बनाते हैं? ग्राफ। ग्राफ बनाने के पहले सुन लो क्या करना क्या है मुझे। ये जो फोर्स मैं इस साइड लगा रहा हूं, ये फोर्स जो भी लगा रहा हूं, इसे बोलता हूं मैं अप्लाइड फोर्स। जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन जैसे 2 लगा रहा है, 10 लगा रहा है या 3 लगा रहा है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी, तो वो ग्राफ कैसे बनता है सुनो, कॉमन सी चीज है, कोई खास बात इसमें है नहीं। इधर मैं बना रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर लगा रहा हूं मैं अप्लाइड फोर्स। तो मुझे बताओ, अप्लाइड फोर्स बढ़ाई मैंने, जब मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया
तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाना, मानते हो उस चीज को? भाई पहले तीन, दो लगाया, फिर तीन लगाया, फिर चार लगाया, तो बेसिकली मैंने जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मानते हो उस चीज को? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके बीच में ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चा। अगर कोई चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है जी। तो देखो मान लो यहां पे इसकी वैल्यू दो थी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी दो थी, इसकी वैल्यू तीन थी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी तीन थी, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है ग्राफ। लेकिन अब ये बताओ मुझे कि क्या ये ग्राफ अनंत तक जाएगा क्या? मतलब बहुत आगे तक जाएगा या रुक जाएगा आगे जाके? वेरी गुड अंश, शाबाश। फ्रिक्शन तो बेसिकली रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है बच्चा 10 तक होती है मेरे पास, उसके बाद उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, उससे बढ़ेगी नहीं मेरे पास। फोर्स तो बढ़ जाएगी लेकिन वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कुछ बनता है, जो एक्चुअल ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। यहां पे ये पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन इससे ज्यादा, फ्रिक्शन यहां से ज्यादा बढ़ने, फोर्स तो बढ़ सकती है, अप्लाइड फोर्स तो बढ़ा सकता हूं मैं, लेकिन फ्रिक्शन अपनी इस रेंज, इस वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकता वो। कोई बात नहीं चारू, नो इश्यूज। ध्यान से सोचो बच्चा, मैं बोल रहा हूं कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है बच्चा? अरे कितने लोगों को ग्राफ समझ में आ गया? ये आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, ठीक है। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करता हूं बच्चा। फ्रिक्शन की तीन चार टाइप होती है, एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बता रहा हूं गणेश, ये कर्व क्यों आया अभी? कर्व गणेश पूछ रहा है मुझसे, यार ये आपने ऐसे क्यों बनाया इसको? बता रहा हूं ये कर्व ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं, यहाँ पे मैक्सिमम एक बार नीचे क्यों ला रहा हूं मैं? सुनो बच्चा, फ्रिक्शन को हम डिवाइड करते हैं दो तीन कैटेगरी में, ठीक है जी। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल तीन कैटेगरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो अलग पार्ट होते हैं मेरे पास, ठीक है जी, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल तीन ही कैटेगरी में बांट रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। तो सुनो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाएं तो क्या होगा? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा फोर्स लगाएंगे खुशी जी, तो बच्चा ब्लॉक चल पड़ेगा, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा 10 ही। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, मैंने फोर्स लगाया 11, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 10 थी बच्चा, तो फ्रिक्शन 10 ही लगेगा। अब मैं 12 लगाऊं फोर्स, तब भी फ्रिक्शन 10 लगेगा, लेकिन नेट फोर्स बैलेंस नहीं है, एक तरफ से 12 लग रही है, एक तरफ 10 लग रही है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो ब्लॉक चल पड़ेगा, यानी ब्लॉक एक्सलरेट हो जाएगा, ठीक है जी। खुशी समझ में आया? हमेशा 10 नहीं लेते बच्चा, सुनो ये तो एग्जांपल मैंने लिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, हमेशा 10 की बात नहीं है, वो डिपेंड करेगा सरफेस कैसे हैं और मास कितना है, ठीक है? ठीक है साक्षी अलीशा, हमेशा 10 नहीं लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं इसी कैटेगरी की। तो तीन कैटेगरी है मेरे पास, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या चीज। देखो बच्चा, जब इस ब्लॉक की बात कर रहा था मैं, जो ऊपर ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको, मैंने इस पे फोर्सेस लगाए थे। एक सेकंड मैं रब कर देता हूं, सुनो भाई। अब देखो बच्चा,
मैंने जब बोला आपको, मैंने फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाया मान लो इसमें मैंने, तो फ्रिक्शन फोर्स 5 लगेगा आप जानते हो, ठीक है जी। तो क्या इस 5 लगाने पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मेरे पास 5, क्या बॉडी चल रही है इस टाइम पे? क्या बॉडी चलेगी इस टाइम पे जब मैंने 5 लगाया तो? नहीं चलेगी, मानते हो, ठीक है, शाबाश। तो 7 लगाया तब भी बॉडी नहीं चलेगी। तो 0 से लेके 10 तक 10 पे बॉडी जस्ट चलने लगेगी, 10 पे जस्ट बॉडी चलने लगेगी, एक्सलेट नहीं करेगी बट चल पड़ेगी लिमिटिंग कंडीशन में। तो 0 से लेके 9.999999999 चलते रहे, ठीक है जी, यहां तक मैंने फोर्स लगाई तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी 0 से लेके 9999, ठीक है जी। तो अब जब जो मैंने फोर्स लगाई, तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जब बॉडी नहीं चल रही है, फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी नहीं चल रही है उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 0 से लेके 9999.999 जो है ये मेरे पास क्या होगी? स्टैटिक होगा। क्या होगा? स्टैटिक, ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? 0 से लेके 9.999 जब तक बॉडी ना चले तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। मुश्किल काम तो नहीं, आसान ही है, ठीक है। चलो अब सुनो, तो इस ग्राफ में मान लो, और लिमिटिंग क्या होता है फिर सुनो, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन फोर्स की लग सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चा इसकी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चा इस केस में? 10 है मेरे पास। तो जो 10 है उसे मैं क्या बोलूंगा बच्चा? 100 क्यों बोल रही साक्षी, 10 है हाँ। तो 10 जो है बच्चा वो है मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स की जो लग सकती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता हूं, ठीक है बच्चा। और जब बॉडी रेस्ट पे है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसे बोलता हूं मैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग और स्टैटिक में कोई तकलीफ बच्चा किसी बच्चे को? ठीक है, लिमिटिंग मतलब क्या होता है बच्चा? कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लिमिटिंग कहलाएगी, और 0 से लेके लिमिटिंग तक से एक थोड़ा पॉइंट कम कर दो वो कहलाएगा स्टैटिक, तब तक वो बॉडी चल नहीं रही है, ठीक है जी। अब सुनो, मैं इस ग्राफ में लेबल करता हूं कहां से लेके कहां तक क्या है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, कहां से लेके क्या लिमिटिंग है। सुनो, मैंने ये ग्राफ में लेबल कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये टापू सा दिख रहा है आपको, जो पीक दिख रही है आपको, जो आपको पीक दिख रही है वो बच्चा क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है बच्चा वो क्या है मेरे पास? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैंने स्टैटिक और लिमिटिंग की चर्चा कर ली है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब सुनो, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि सर ये नीचे देखो, मैं इसको शेड करने की कोशिश करता हूं। यहां तक तो बच्चा ये बढ़ रहा था, देखो यहां तक तो बढ़ रहा था, उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया, हल्का सा नीचे आ रहा है, बहुत ही हल्का सा है लेकिन हल्का सा नीचे आ रहा है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है। तो वो नीचे क्यों आ रहा है उसका रीजन देता हूं मैं आपको। स्टैटिक बता दो प्लीज, रिपीट कर दो। अंकुश कहां था भाई तू? स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चा वो फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी ना चले, जब बॉडी नहीं चल रही है ना, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चा वो क्या होता है मेरे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चा वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अंकुश समझ में आया? नहीं आया तो बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये नीचे क्यों आ रही है बच्चा, पीक पे जाके हल्का सा नीचे आई, ग्राफ में देखो पीक पे जाके हल्का सा नीचे आई, फिर वो पैरेलल होगी ठीक है अप्लाइड फोर्स के, तो ऐसा नीचे क्यों आ रही है ये? नो आइडिया, चलो मैं बताता हूं, सुनो वहां कोई रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब मैं समझ गया। सुनो पता क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का फैक्टर मेरे पास आ जाता है। जब बॉडी रेस्ट पे होती है ना तो वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे रहूं, लेकिन जब बॉडी चलने आती है तो उसकी क्या होती है टेंडेंसी, में चलती रहूं ठीक है, तो हल्का सा वैल्यू कम हो जाती है मेरे पास, जिसके कारण बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो पहले जो था मेरे पास बॉडी रेस्ट पे थी तो वो चाहती थी कि वो रेस्ट पे रहे, फ्रिक्शन भी था और साथ में क्या था मेरे पास इनर्शिया भी था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बाद में क्या है फ्रिक्शन है और एक इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो अपोज करो तो हल्का सा कमी आ जाती है मेरे पास ठीक है जी। और सुनो ये जो आगे वाला पोर्शन है मेरे पास जो ब्लू से शेड कर रखा है, ये वाला पोर्शन जो है इसे बोलता हूं मैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी चलने लग गई तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है मेरे पास उसे क्या बोलता हूं मैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बात चमकी? ठीक है सुनो एक याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन लिमिटिंग, ओके बताता हूं सुनो, काइनेटिक फ्रिक्शन लेस होगा किससे, हमेशा लिमिटिंग से, याद रखना हल्का सा कम होगा लेकिन कम होगा। अब सुनो कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्राफ एक्सप्लेन कर दो, देखो बच्चा ग्राफ मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया है कि देखो जब मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन लगा था 5 न्यूटन, जब मैंने 7 लगाई तो फ्रिक्शन लगा 7, इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स थी मेरे पास, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं और फ्रिक्शन कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो जब भी फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन, तो मैंने क्या बनाया स्ट्रेट लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन बन गया बच्चा ठीक है। उसके बाद वो मैक्सिमम वैल्यू तक गया, मैक्सिमम वैल्यू तक गया, उसके थोड़ा हल्का नीचे आया बिकॉज ऑफ इनर्शिया, उसके बाद जब मैंने फोर्स बढ़ाई 11 कर दी 12 कर दी तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रही थी 10 रही थी बच्चा, मानते हो, तो फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट हो गया, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा बच्चा ठीक है। बात समझ में आई बच्चा? चलो अब ये ग्राफ का फंडा हो गया, ग्राफ वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए लेकिन 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो असली सवाल करेंगे, अभी तो टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, खास हमने कुछ किया नहीं है ठीक है जी। लिमिटिंग और काइनेटिक में मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन तो सेम ही होना नहीं होना, देखो बच्चा सुनो अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सुनो बच्चा, हरमन को डाउट आ रहा है कि यार लिमिटिंग की वैल्यू आपने बोली 10 न्यूटन है, मान लिया हमने लिमिटिंग की वैल्यू 10 न्यूटन है, अरे रुको तो सही बच्चा रुको रुको रुको, और कैनेटिक की पूछ रही है आपसे वो, तो कैनेटिक बच्चा देखो सुनो मैंने एफ का जो फॉर्मूला लिखा था बच्चा वो लिखा था म्यू टाइम्स एन, एफ का फॉर्मूला लिखा था म्यू टाइम्स एन, तो बच्चा म्यू दो होते हैं मेरे पास, म्यू दो होते हैं, एक तो होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के, ये एस और के क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक और के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक ठीक है जी। तो हर सरफेस के अंदर म्यू एस और म्यू के होते हैं, अब एन तो हमेशा सेम रहेगा, एन तो हमेशा सेम रहेगा, तो लिमिटिंग वाले की वैल्यू जो आती है वो आती है म्यू एस इंटू एन, ये स्टैटिक की बात की, मैं लिमिटिंग की बात कर रहा हूं, और एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या आएगी म्यू के इंटू एन, और आप याद रखना म्यू के जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे म्यू एस से, इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन के स्टैंड फॉर काइनेटिक ठीक है जी, यहां पे मैंने लिमिटिंग लिखा हुआ है, एन दोनों में सेम है
बस फर्क क्या आएगा म्यू का, म्यू क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, अगर सरफेस रफ है तो म्यू ज्यादा होगा, सरफेस स्मूथ है तो म्यू कम होगा बच्चा। लेकिन हर सरफेस के दो म्यू होते हैं, एक तो म्यू एस और एक म्यू के, बड़ा कौन सा होता है म्यू एस बड़ा होता है, इसीलिए ग्राफ नीचे आता है बाद में, के वाला ग्राफ हमेशा नीचे आता है किससे, लिमिटिंग से। बात समझ में आई? दो म्यू होंगे, एक म्यू के और एक सर कनेटिक ज्यादा होगा लिमिटिंग से तो ही तो बॉडी मूव करेगी। नहीं, कौन बोल रहा है ये, एक मिनट रुको, नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही तेरे को भाई विशांत? अच्छा चारू ने डाउट पूछा था, म्यू की वैल्यू दी होगी तुम्हें पैदा नहीं करनी, ठीक है जी। विशांत तेरे को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तुझे क्या समझ नहीं आया बता मेरे को, एक मिनट ज्यादा अनम्यूट कर दूं भाई, तू है कहां पे? तुझे अनम्यूट कर दिया भाई, बता। चल ठीक है कोई बात नहीं, देख बच्चा सुन मेरी बात, सरफेस अलग बिहेव करता है जब बॉडी रेस्ट पे हो और जब बॉडी मोशन में हो। सरफेस का बिहेवियर चेंज होता है जब बॉडी रेस्ट पे हो तो अलग बिहेवियर है, जब बॉडी मोशन में हो तो अलग बिहेवियर है। अब सरफेस की प्रॉपर्टी, दो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है उनकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग म्यू, ठीक है जी। तो म्यू जो है वो अलग आता है जब बॉडी रेस्ट पे हो, जब रेस्ट पे हो तो बोलते हैं म्यू एस, ठीक है जी, और जब बॉडी चल रही है तब क्या बोलते हैं म्यू के बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि म्यू के जो होता है वो म्यू एस से कम होता है, ठीक है बच्चा। विशांत बात चमकी? चलो अब चारू जी पूछ रही थी मेरे से कि सर म्यू के कम होना ज्यादा होना चाहिए तभी तो चलेगा। सुनो बच्चा देखो, म्यू के ज्यादा करेंगे तो फिर बॉडी चलेगी क्या बताओ? हमें चलाना है तो फ्रिक्शन तो कम करना पड़ेगा ना, तभी चलेगा ना बच्चा। अगर म्यू के बड़ा हो गया तो चलेगा ही नहीं म्यू एस से, तो फिर ग्राफ को जस्टिफाई कर पाओगे आप? फ्रिक्शन तो बढ़ जाएगा, किससे, लिमिटिंग से ही बढ़ जाएगा। चारू जी चलो आगे बढ़े बच्चा, आप इसमें अब मेरे पास एक चीज आती है, सुनो, एक आता है मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक आता है, मुस्कान जी, हाँ जी बोलो मुस्कान, मुस्कान ओके कोई बात नहीं। अब देखो बच्चा दो टर्म पढ़नी है हमें, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है और एक पढ़ना है हमें एंगल ऑफ रिपोज। दोनों टॉपिक खत्म करते हैं आज हम, ठीक है जी। सुनो कैसे, पहले डिफाइन कर देता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या चीज, ठीक है जी। इसे डिफाइन करते हैं एज द एंगल विच द रिजल्टेंट, डेफिनेशन दे रहा हूं बुकिश, ठीक है जी, फिर समझा दूंगा मैं आपको। रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। कुछ फैंसी सी डेफिनेशन है, बता देता हूं है क्या चीज, सुन लो।
कुछ समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल तो आपको, ठीक है जी, बताता हूँ क्या करना है। ये मान लो मेरे पास ब्लॉक है बच्चा, ठीक है, और ये सरफेस है, ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, ठीक है जी। अब एक चीज आती है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है बच्चा वो क्या होती है, दो टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं मेरे पास, एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। सरफेस संपर्क में आता है दूसरे सरफेस के, जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो वो दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं, एक तो फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है जी। फ्रिक्शन लगता है सरफेस के पैरेलल, फ्रिक्शन लगता है सरफेस के पैरेलल, और जो आपका नॉर्मल लगता है वो सरफेस के 90 पे, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, अब आप ट्राइंगल जानते हो सब लोग, तुम लोग इस एफ को शिफ्ट कर लूं पैरेलली, इस एफ को शिफ्ट कर लूं पैरेलली, तो ट्राइंगल लॉ से बच्चा ये जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा बच्चा, मानते हो। इस आर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट है, एक तो फ्रिक्शन और एक नॉर्मल, ठीक है बच्चा। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाता है नॉर्मल से, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट, का रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात चमक रही है या ऊपर से गई, बोलो भाई, बात चमक रही है ऊपर से गई, किसी को कोई भी डाउट बता दो मेरे को प्लीज, सब लोग बोलो, ऐसे फील नहीं आती, एक बार रिपीट कर दो। हाँ तो बोलो ना, डरते क्यों यार, मैं कोई खतरनाक इंसान नहीं हूं, ठीक है जी। चलो सुनो देखो बच्चा, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो हिस्से हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगती है सरफेस के नॉर्मल पैरेलल लगती है, और नॉर्मल फोर्स लगती है सरफेस के 90 पे। तो मैंने दो लगा दी, एक फ्रिक्शन लगा दिया और एक नॉर्मल लगा दिया। अब दो फोर्सेस ऐसे हैं, देखिए ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन। अब हमने वेक्टर सीख लिया, हम लोगों ने वेक्टर में इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि पहले का हेड दूसरे की टेल से जोड़ दो, पहले का हेड दूसरे की टेल से, और तीसरा जो आएगा वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फ्रिक्शन को पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, इस फ्रिक्शन को पैरेलली शिफ्ट कर लिया ताकि फर्स्ट का हेड दूसरे की टेल से मीट कर जाए, तो ये क्या बन जाए मेरे पास, रिजल्टेंट बन जाए, ये रिजल्टेंट बन गया। अब इस रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ये कॉन्टैक्ट फोर्स कितना एंगल बना रही है नॉर्मल से, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात चमकी खुशबू जी, चलो गुड है, आसान ही है, मुश्किल नहीं बच्चा ये। अब बताओ देखो सुनो, ये जो फोर्स दिख रही है ऐसे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन दिख रहा है और ये मुझे नॉर्मल दिख रहा है, ये एंगल थीटा दिख रहा है। अब ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, मानते हो ये वैल्यू एफ है और ये वैल्यू एन है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा ट्राइंगल से क्या आएगा बताओ मुझे, टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट बोलो सब लोग, एफ बाई एन, शाबाश गुड। टैन थीटा क्या होता है, पी बाई वी होता है ना भाई, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, दूसरा मेरा क्या होता है बेस, और टैन क्या होता है पी बाई वी। तो पी की वैल्यू क्या है बच्चा, एफ है, और
बी की वैल्यू एन दे रखी है, तो टेन थीटा की वैल्यू एफ बाय एन आ गया। ठीक है, शाबाश। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स एन। हमने सबने पढ़ा अभी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स एन। मैंने क्या लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो शब्दों पर ध्यान दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा था, तो लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। म्यू एन बाय एन, एन ने एन को मार दिया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू आ गई। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आता है किसका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। बात चमकी या नहीं चमकी बता दो भाई। ठीक है बच्चा, सबको आ गया, चलो गुड। अब एक और चीज पढ़ते हैं, इससे बिल्कुल सेम मिलती जुलती चीज है। ठीक है बच्चा, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। वो भी कर लेते हैं खत्म हम लोग। ठीक है जी, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा एक बार आपको समझाने के लिए, तो सब लोग वीडियो में देखना बच्चा एक बार। ठीक है, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, ऑन नहीं होगा वीडियो। हो गया क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, सुनो बच्चा देखो, जैसे मान लो ये बुक दिख रही है आपको। ठीक है जी, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, किसमें है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिख रही है बच्चा आप सबको। मैंने इसे पेन रखा, मैंने इसे पेन रख दिया। ठीक है, अब ये पेन स्लाइड तो नहीं कर रहा ना। अब मैं इस हॉरिजॉन्टल को थोड़ा टेढ़ा करूंगा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करूंगा, ऐसे करते 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 एक एंगल आएगा जिस पे ये पेन गिरने लग जाएगा। अब देखो ये एंगल बना रहा ना, इससे इस हाथ से ये एंगल बना रहा है, पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब ये एंगल बना रहा है। तो जिस एंगल पे, जिस मिनिमम एंगल पे जब पेन जस्ट स्लाइड करने लग जाए उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। बात चमकी, अरे हाँ ना बोलो, बात चमकी नहीं चमकी। ठीक है बच्चा, थैंक यू। अब करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है जी, मैथमेटिकली करते हैं। सुनो भाई, मैं इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूं मैं। मान लो ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जिस पे ब्लॉक जो है वो जस्ट यार ब्लॉक टेढ़ा बन गया। ये ब्लॉक है मान लो बच्चा एम, मान लो इस एंगल थीटा पे, इस एंगल थीटा पे वो जस्ट स्लाइड कर रहा है, जस्ट स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो इससे बड़ा अगर मैं एंगल कर दूं, इससे बड़ा एंगल कर दूं तो गिर जाएगा, पक्की बात है। इससे कम करूंगा मैं तो नहीं गिरेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, इससे बड़ा एंगल वो गिर जाएगा लेकिन इससे कम करूंगा तो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, इसे नीचे कौन लेके आता है, जब झूला झूलते थे आप लोग, मैंने बताया कई बार, बताया भी आप लोगों को, जब आप झूला झूलते थे तो कौन नीचे लेके आता था आपको, कौन सी फोर्स, एम जी साइन थीटा। वेरी गुड, शाबाश। एक सेकंड, कपिल सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड बच्चा होल्ड करना। हेलो,
अच्छा दे दूंगा सर मैं लिंक, में क्लास दे रहा हूँ बच्चों से एक बार। तो लिंक तो मैंने दे रखा है आपको सर, सेम रहता है लिंक, मैं भेज देता हूँ आपको लिंक, कोई दिक्कत ठीक है। 2 बजे क्लास में देना होगा लिंक उनको, हाँ दे दूंगा सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अभी क्लास देता हूँ सर, ठीक है 11th क्लास चल रही है, ठीक। चलो भाई सुनो बच्चा, तो इसे नीचे कौन लेके आता है, mg साइन थीटा, सबको याद है ये याद नहीं है? अरे भाई बताओ सबको याद है, जिसको नहीं आता बता दो मुझे भाई, आई कैन एक्सप्लेन, कॉम्पोनेंट करने आते हैं आपको, ठीक है ठीक है सर गुड। अच्छा ठीक है, अब इसका वजन, वजन तो लगता है नीचे की तरफ, वजन के दो कंपोनेंट करता हूं, एक तो करता हूं मैं क्या अलोंग द सरफेस, एक सरफेस के 90 पे, सरफेस के 90 पे क्या लगेगा बच्चा, एम जी कॉस थीटा। अब मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जिस फोर्स से बॉडी दबाती है फर्श को, जिस फोर्स से बॉडी दबाती है फर्श को वही क्या होता है मेरा नॉर्मल रिएक्शन होता है बच्चा। तो इस केस में एन की वैल्यू क्या आएगी, बताओ भाई इस केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, गुड शाबाश। दबा कितने से रहा है ये, अरे एम जी कौन बोल रहा है भाई, एम जी कॉस थीटा आएगा, एम जी से दबा रहा है वो, एम जी कॉस थीटा से दबा रहा है, सरफेस के 90 पे दबाता है वो, एम जी से दबा तो रहा है वो लेकिन सरफेस के 90 पे जो दबा रहा है वो एम जी कॉस थीटा बच्चा, ठीक है गुनगुन जी। तो एन की वैल्यू जो आती है वो सरफेस के 90 पे आती है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी कॉस थीटा। गुनगुन जी आ गया, कोई बात नहीं गुनगुन, कोई बात नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो सुनो, फ्रिक्शन की मान लो कोफिशिएंट यहां आपको म्यू दे रखा है, क्या दे रखा है म्यू, तो अब मुझे बताओ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जो लग सकती है बच्चा वो कितनी होगी, कोई बात नहीं गुनगुन जी नेवर माइंड, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, म्यू एन था फॉर्मूले का, फॉर्मूला था म्यू एन, तो एन की वैल्यू कितनी है बच्चा, एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू सकती क्या आएगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। चलो गुड शाबाश बच्चा वेरी गुड। अब मुझे पता है कि फ्रिक्शन बताओ किधर लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लगेगा या नीचे की तरफ, ऊपर लगेगा, क्योंकि देखो mg का कंपोनेंट नीचे खींच रहा है, फ्रिक्शन का काम क्या है दोनों को साथ रखना, दोनों को साथ रखना है तो बच्चा ऊपर लगाना पड़ेगा इसको, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है म्यू mg cos थीटा। यहां मैंने मैक्सिमम फोर्स क्यों लगाई, यहां मैंने मैक्सिमम क्यों लगाया, देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है म्यू एम जी कॉस थीटा होती है, ठीक है जी, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्यों लगाया, उससे कम भी लग सकती थी, हाँ गुड देवेश शाबाश, क्योंकि ये जस्ट अबाउट टू स्लिप कर रहा है, जब बॉडी स्लिप करने लगती है तब मैक्सिमम फोर्स लगती है बच्चा, मानते हो, जब जस्ट चलने वाली हो बॉडी तब क्या लगती है, मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभी फिलहाल नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, एम जी साइन थीटा नीचे खींच रहा है उसे और उसे रोक कौन रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा, इस इंस्टेंस पे जस्ट दोनों बराबर है, तो अब एम जी ने एम जी को मार दिया, साइन बाय कॉस, कॉस को नीचे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये जो डेफिनेशन है बच्चा, ये जो फंडा है मेरे पास वो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, बात चमकी, अरे कितने लोगों को बात समझ में आ गई,
रिपीट करूं, कोई बात नहीं सुनो। देख बच्चा कौन कौन, क्या नाम तेरा, चारू देख सुनो, नीचे कौन खींच रहा है इसको, दोनों सेम ही आ रहे, आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के आंसर सेम आ रहे हैं बच्चा, ठीक है जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, गलत नहीं है कुछ भी इसमें, बट मुझे किसी ने बोला कि रिपीट करना है, किसने बोला रिपीट करने के लिए, चारू ने बोला शायद ना, तो चारू तुझे अनम्यूट कर रहा हूँ, डाउट बोल। सर एक बार दोबारा बता दो। बता देता हूँ, पूछता हूँ क्वेश्चन, बताइए मेरे को, इस बॉडी को नीचे कौन खींच रहा है? mg cos theta। नहीं, नीचे नीचे, डाउन द प्लेन। mg sin theta। हाँ, अब देख फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेस हमेशा साथ में रहें, फ्रिक्शन की चाहत है ये, ठीक है जी, तो फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स लगाएगा, उसकी जो मैक्सिमम फोर्स लगती है या लग सकती है बेसिकली, वो क्या लगती है, म्यू एन लगती है बच्चा। Yes, sir. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बच्चा, mg cos theta। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम फोर्स है वो लगेगी म्यू एम जी कॉस थीटा, मानती है, वो ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है, जिस तरफ बंदे की स्लाइड करने की टेंडेंसी है ना उससे अपोजिट लगेगी, जिस तरफ उसकी जाने की टेंडेंसी है उससे अपोजिट लगती है, तो इस ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगी। अब मुझे बोला इस एंगल पे, मुझे बोला गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस एंगल पे ये जस्ट टेंड्स टू स्लाइड, जस्ट टेंड्स टू स्लाइड, तो जस्ट चलने की कोशिश कर रहा है, तो जब जस्ट फ्रिक्शन, जब जस्ट बोलते हैं ना फ्रिक्शन किसमें, फिजिक्स के अंदर, तो मतलब क्या है, नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स दोनों बराबर होंगे, तो मैंने क्या किया mg sin थीटा को किसके बराबर पुट कर दिया मैंने, म्यू एम जी कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों ली फ्रिक्शन की मैंने, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड करने वाला है, आपको मैंने ग्राफ से समझाया था ना, जब स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग होती है बच्चा, बताया था ना, जीरो से लेके 9.999 पे तो वो चला नहीं था, 10 पे वो चलने लग गया था, जस्ट मूव, ठीक है, वहां पे वैल्यू क्या आएगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, एम जी ने एम जी को मार दिया, और साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू। अब आप ध्यान से देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी सेम आई थी, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू भी सेम आ रही है, ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, बात चमक गई सबको भाई। ओके सर, थैंक यू। चलो गुड है, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। खुशबू जी बोलो, हाथ खड़ा किया आपने, अरे यार चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं खुशबू, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब सुनो बच्चा, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जैसे मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, हाँ जी बैकअप लेंगे, दो दो पांच तक बैकअप लूंगा, ठीक है जी, दो पांच या दस तक बैकअप स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है जी, क्योंकि मेरा बैच खत्म हुआ 2 बजे तक, तो 5-1 मिनट लग जाएंगे मेरे को, ठीक है जी, स्टार्ट करने में। चलो बच्चा देखो सुनो, अगर ये ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पे, इसका मास m है, और मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, मान लो वेलोसिटी v दे दी इसको ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, तुम्हारा सिंपल सा फंडा है आपसे पूछ रहा हूं मैं कि इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर या नीचे, गुड शाबाश वेरी गुड, नीचे लगेगा, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव, तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा, और अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड करवा रहा होता मान लो वेलोसिटी वी से, तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा,
अब ऊपर लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, शाबाश। तो फ्रिक्शन जो है बच्चा डायरेक्शन अपोजिट लगाता है किसके, मोशन के अपोजिट, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन कभी बॉडी को चला सकता है या रोकने का काम ही करता है? शायद चला सकता है, चला सकता है, गुड, रोकेगा बस। मतलब तुम्हारी इमेज में मतलब फ्रिक्शन एक पापी इंसान है, ठीक है, वो हमेशा रोकता ही रोकता है, मतलब एनर्जी कंज्यूम करता है हमेशा, मतलब है नहीं, तुम्हारा विचार थोड़े गलत है, सुनो, तुम्हारे विचारों को मैं शुद्धिकरण करता हूँ, सुनो एक बार रुको। तुम्हें लगता है कि फ्रिक्शन सिर्फ रोकता है, विलन है वो, नहीं वो विलन नहीं है, कई बार हीरो भी होता है वो, ठीक है, सुनो कैसे। तुम्हें याद करो एग्जाम्पल, सुन लो एक बार, ऐसे तुम्हें याद है ना ट्रक वाला एग्जाम्पल दिया, तुम्हारे को याद है, अमीषा पटेल, सनी देओल, याद है ना, चलो सुनो उसी को रिवाइज करते हैं एक बार, सुनो। हाँ विशांत, क्या वो हाथ खड़ा किया? चलो सुनो, यहाँ पे मैंने सामान रखा था, क्या रखा था, सामान रखा था, और ट्रक आके जा रहा था, मान लो। तो अगर मान लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ फ्रेमवर्क में पढ़ा, गुड, शाबाश हरीश। तो अगर मान लो हम देखें, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उसे लग, ये ब्लॉक किधर जाता, पीछे जाता मानते हो। तो इस ब्लॉक, अगर बात करें, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ट्रक का एक्सलरेशन आगे और इसका एक्सलरेशन है ही नहीं मेरे पास, तो ट्रक के रिलेटिव ये ब्लॉक किधर जा रहा है बच्चा, आगे या पीछे? पीछे जा रहा है बच्चा, मानते हो। तो अब इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ट्रक के लटके पीछे जा रहा है तो उसे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, मानते हो सब। तो ये फ्रिक्शन ही है, ये फ्रिक्शन ही है जो हमारे सामान को, जो लोड करते हैं ना ट्रक के अंदर, सामान रखते हैं और ट्रक चलाते हैं, तो जो फ्रिक्शन है किसके बीच में, सामान और ट्रक के सरफेस के बीच में, वही उसे साथ चलाता है। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो कभी भी आप ट्रक में सामान लोड करके ला ही नहीं सकते आप लोग। तो फ्रिक्शन पापी नहीं है, फ्रिक्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए, फ्रिक्शन ना हो तो सामान कभी आएगा ही नहीं हमारे पास। तो फ्रिक्शन चलाता भी है, याद रखना भाई, फ्रिक्शन रोकता नहीं, फ्रिक्शन चलाता भी है। बात चमक रही है? अरे बात चमकी, चलाया किसने? हाँ बंदे लेके आ सकते हैं, वेरी गुड, कितने होशियार है बंदे, रस्सी से बांध लेंगे, वेरी गुड। अच्छा एक बात सुन, तुम जो पेन पकड़ रहे हो, अब तुम लिख रहे हो शायद, पेन पकड़ रहे हो ना, तो ये पेन पकड़ किस पा रहे हो तुम, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पकड़ पा रहे हो। अगर तुम्हारे और पेन के सरफेस फ्रिक्शन ना हो तो तुम पेन पकड़ नहीं पाओगे, लिखना बहुत दूर की बात है। और जो तुम लिख पा रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेज एंड योर पेन, तभी आप लिख पा रहे हो। अगर पेज और पेन की निब के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो आप लिख भी नहीं पाओगे। फिर तो सही लिखना ही नहीं पड़ता, वाह शाबाश गणेश, फिर तो कुछ नहीं करता गणेश, ना तो नहा पाता ना तो कुछ और कर पाता। चलो कोई बात नहीं, हर चीज के लिए फ्रिक्शन जरूरी, कुछ भी होल्ड करना हो बच्चा, साबुन भी होल्ड करेगा तभी तो फ्रिक्शन चाहिए, साबुन ही हाथ में नहीं आएगी, इधर नहाएगा कैसे तू। चलो सुनो, तो हर चीज में फ्रिक्शन जरूरी है बच्चा। तुम्हारे जवाब माशाल्लाह है, पेन उंगली से फेविक से चिपका देते हैं, फेविक ऑन करने के लिए इसको दबाना पड़ता है, दबाते किससे, बिना फ्रिक्शन दबता नहीं, ठीक है जी, भाग जाती है हाथ से वो। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम चलते भी फ्रिक्शन के कारण है। चलो कोई बात नहीं बच्चा,
मूव करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे। बच्चा कभी आइस पे चलने की कोशिश करना, गिर जाओगे बुरी तरह से, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन कम होता है वहां पे। चलो बच्चा यहां तक समझ में आ गया, बच्चा एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया, एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ गया, और फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है हमारे लिए। और ये ग्राफ समझ में आया, ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो भाई आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम बैकअप क्लास में 2:05 या 2:10 तक, 2:05 तक मैक्सिमम, 2:10 नहीं 2:05 तक मिल जाऊंगा आपको मैं, ठीक है जी। सबको इन्फॉर्म कर देना प्लीज, जिनको जो नहीं आए क्लास में उनको इन्फॉर्म कर देना कि क्लास 2:05 तक होगी, ठीक है। ओके बच्चा, बाय बाय।